हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुचिरा और आज एक नया रेसिपी के साथ आ गई हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पास में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि और भी नया रेसिपी आपको मिलते रहे। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज मैं बनाऊँगी वेजिटेबल पोहा। ये बनाना बहुत इजी है। आप ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफ़िन में ये आप किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए सिर्फ मुझे चाहिए एक टमाटर लिए है मैंने, ये काट लिए है। ये है फूल गोभी, ये भी बारीक काट लिए है छोटा छोटा करके। इसको मैं थोड़ा बॉईल कर लूंगी। और लिए है प्याज, ये बारीक काट लिए है। एक प्याज लिए है मैंने। लिए है पोटैटोस, ये छोटा छोटा करके काट लिए है। इसको भी बॉईल कर लेंगे। और लिए है कैरेट, ये थोड़ा लिए है, इसको भी काट लिए है। लिए है मटर, इसको भी थोड़ा बॉईल कर लेंगे। यह है धनिया पत्ता, ये भी काट लिए है। लिए है ग्रीन चिली, ये दो ग्रीन चिली मैं काट लिए है। लिए है पोहा, इसको मैं धो लूंगी। धो के इसका पानी निचोड़ के ले लेंगे। ये देखिए, ये पानी निचोड़ लिया है इसका। तो मैं कढ़ाई पे 4 चम्मच ऑयल लिए है, ये थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इस पे दे देंगे प्याज, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें दे देंगे कैरेट, इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें दे देंगे बॉयल फूल गोभी, इसको भी फ्राई होने देंगे थोड़ा सा। अब इस पे देंगे पोटैटोस, ये भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। पोटैटोस को मैं थोड़ा बॉईल करके इसमें दिए हैं। अब इस पे दे देंगे हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर दिए है। देखे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें देंगे टमाटर, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, फ्राई होने देंगे। दे देंगे इस पे मटर, मटर को मैं थोड़ा सा बॉईल कर लिए है, मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्राई करने से चलेगा।
अब इसमें दिए है पोहा, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसको। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक दिए है, 1 टीस्पून नमक दिए है मैंने, और दे देंगे ग्रीन चिली जो कट के रखे थे, और दे देंगे धनिया पत्ता। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके थोड़ा सा ही होने देंगे, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए इसको होने देंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए प्लेट में ले लिए है, ये कितना सुंदर दिखने में हुआ है और खाने पे भी बहुत टेस्टी हुआ है। आप लोग भी ट्राई करिए रेसिपी को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।